हेलो गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ फ्रेंड्स, चेरी खा लो। चेरी, ये चेरी मेरे को जम्मू मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने जम्मू से भेजी है हमारे लिए। बहुत मीठी मस्त वाली चेरी है ये। आज मैं ऑलमोस्ट एक साल के बाद मैंने एक्सरसाइज किया है, मैंने वर्कआउट किया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। ऑल इन ऑल रुद्राक्ष के स्कूल जाने का टाइम मैंने यूटिलाइज कर लिया है, मैंने अपने लिए एक्सरसाइज का रूटीन बना लिया है। होपफुली मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं शिद्दत से चाहती हूँ, मतलब मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। मुझे बिल्कुल इस रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। मुझे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं जिसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज रुद्राक्ष के स्कूल में दो एक्टिविटीज थी आज। एक तो उनको ड्रेस टू इम्प्रेस की एक्टिविटी थी, तो आज वो कुर्ता पजामा पहन के ट्रेडिशनल बच्चा बन के गया है। दूसरा, आज से उनकी स्विमिंग क्लासेस भी स्टार्ट होनी है, तो रुद्राक्ष थोड़े देर में आने वाला है, तो आएगा वो तो फिर उससे बात करेंगे, उसे पूछेंगे उसका दिन कैसा रहा और दोनों एक्टिविटीज कैसी रही। और होपफुली पिक्चर्स अगर स्कूल से आई तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है स्कूल से आई हुई पिक्चर्स। मेरे रुद्राक्ष भैया आ गए स्कूल से, कैसा रहा आज आपका दिन? बड़ा 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 अच्छा। सिर्फ एक दो बार पढ़ाई कराई मैंने। अच्छा, और क्या किया? बाकी सारा सुनू। हाउ वाज योर डे? आई थिंक वेरी गुड। यस, इट वाज वेरी गुड। क्या किया आपने? क्या किया? मेरा बकरू पूछ रहा है आपने एक्सरसाइज में क्या किया, अब इनको क्या बताओ? अच्छा, जब आप वीडियो देखोगे तब आपने उसकी वीडियो बनाई? नहीं, उसकी वीडियो नहीं बनाई है। आप तो बता दो फिर। अच्छा, मैं बता दूं, जैसे आप वो ऐसे वो क्लाइम करते हो, वो वाला ऐसे झूला होता है ना, वैसे वाले पे मैंने क्लाइम किया। वो क्लाइम किया और फिर साइकिल चलाया ऐसे 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 ऐसे। वैसा वाला। मेरा ये पार्सल काफ़ी दिन से आया हुआ था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि रुद्राक्ष जब आएगा उसी के साथ में खोलूँगी। तो ये मैंने ऑर्डर किया है फ्रेंच प्रेस, मेरी कॉफ़ी मशीन, मतलब टेक्निकली मेरी पहली कॉफ़ी मशीन। मुझे कॉफ़ी का शौक वियतनाम जाने के बाद ही पड़ा है, तो मुझे ज़रूरत भी अभी पड़ी है, तो मैंने खरीदी है ये। Day 2. Good morning friends, welcome back. ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं रुद्राक्ष के लिए लंच पैक कर रही हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल या कटलेट जिसे कहते हैं, तो आई थॉट क्यों ना मैं उसकी रेसिपी आपके लिए भी शेयर करूँ। तो मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटेटोज और आलू थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने साथ में पनीर भी डाला है। ऐसे रुद्राक्ष को पनीर पराठा वगैरह पसंद है, तो आई थॉट इसमें भी अच्छा लगेगा। साथ में लिए हैं चॉप किए हुए अनियन, हरी मिर्च, नमक, अजवाइन, लाल मिर्च, ये सबको मिक्स कर लिया, मैश कर लिया प्रॉपरली और ये एक बैटर जैसा रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे ब्रेड, इसको सोक करेंगे वाटर में। सोक मतलब सिर्फ डिप करके निकालना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं रखना है, और इसको स्क्वीज़ आउट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब जो मैश्ड पोटेटोज़ का रेडी था मसाला, उसको हम लेंगे और इसके बीच में स्टफ़ करेंगे और इसे ट्राई करेंगे कि एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब हर तरफ से ये कवर्ड हो जाए। तो मैंने यही ट्राई किया सारा पानी निकालने की, लेकिन अभी जब मैं बॉल बनाऊंगी ना तो इसमें से और पानी स्क्वीज़ आउट होने की गुंजाइश है, तो वो मैं कर दूंगी साथ ही साथ। और ये प्रॉपर जैसे बॉल बनेगी ना तो ये सील हो गया है और शेप भी इसकी बड़ी सही आई है। इसको लेंगे और हम डालेंगे गरम तेल में। इसको मैं मीडियम फ्लेम में करती हूँ ताकि इस पर क्रंची सा टेक्सचर आ जाए और इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है कुक होने के लिए। तो बस ये कि हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। जब तक कटलेट रेडी होकर कढ़ाई से बाहर आएगा तब तक हम लंच में इसको पैक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने स्टील का लंच बॉक्स लिया है जिसके ऊपर लगाया है बटर पेपर और ये क्रंची सा कटलेट रेडी है। इसको मैं डालूंगी टिफिन के अंदर। इसके ऊपर मैंने रखा है कट किया हुआ मैंगो, क्योंकि इनका फ्रूट ब्रेक भी होता है, उस टाइम पे रुद्राक्ष मैंगो खाएगा। ये हो गया रुद्राक्ष का लंच रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी मैंने नया नया जिम शुरू किया है जिसकी वजह से बहुत पेन हो रहा है बॉडी में। मतलब ऑब्वियसली आप कोई चीज़ छोड़ देते हो और बहुत टाइम बाद शुरू करते हो तो अडाप्ट करने में टाइम लगता है, दैट इज़ वॉट लाइक अडाप्ट करने में टाइम लग रहा है। मैं जिम से आते आते फ्रूट्स लेके आई और रुद्राक्ष भी स्कूल से आ गया है, अंदर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है मेरे को मत दिखाना क्योंकि वो कपड़े चेंज कर रहा है। नहीं दिखा रही बेटा मैं आपको, मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और हम करेंगे लंच। आज लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नानी ने भेजी है रुद्राक्ष के लिए इडली सांभर, जो रुद्राक्ष की फेवरेट है। मेरा स्वीट सा बच्चा आ गया स्वीट लाइम खाते हुए। हेलो रुद्राक्ष, स्कूल से आया है ना, उसके हेड में पेन हो रहा है, तो उसने लंच भी नहीं किया है, बस वही वो फ्रूट खा के और सोने के लिए चला गया है। और अब मुझे लग रही है भूख, तो हमने अभी तक वो जो हमारा फ्रेंच प्रेस आया था अभी तक हमने उसे खोला नहीं है, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो हम तब तक कॉफ़ी पी लेते हैं। आज मुझे मिलने वाले वियतनाम वाली कॉफ़ी का स्वाद दोबारा से, ये इसके साथ ही स्पून आया था तो मैंने ये
ले लिया है ग्राउंडेड कॉफी, इसमें डाल दिया है मैंने गरम गरम पानी। इसको थोड़ी देर ऐसे ही सेट होने देंगे, उसके बाद इसको फिल्टर करेंगे। इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पॉट में दूध और चीनी को भी मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ, बॉइल कर ले रही हूँ। जब तक वो फिल्टर होगी तब तक हमारा दूध चीनी गर्म हो जाएगा। हो गई होगी अब तक ब्रू, इसको कर लेते हैं हम प्रेस। ये थोड़ा स्लो स्लो प्रोसेस है, मैंने इसको फास्ट फास्ट कर दिया ना, तो जितने सारे के सारे ग्रैनुल्स है ना वो सारे ऊपर आ जाएंगे एकदम झटके से, तो इसको फिल्टर करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अमेजिंग खुशबू आ रही है, वाह क्या मजा मजा मजा। ये रेडी है मेरी फिल्टर कॉफी। ये देखो हम आ गए हैं नानू नानी के घर, और यहाँ क्या हो रहा है। हेलो, ये रही हमारी स्टेला। स्टेला हेलो कर दे सबको, सबको हेलो कर दे, सोना बच्चा बनके हेलो कर दे भैया। हम यहाँ मस्त मजे से बैठे हुए थे, और यहाँ देखो मौसम, ये देखो शुरू होने वाली है बारिश। थोड़ी देर इधर रहने दो, थोड़ी देर बारिश में मजा आता है। ये देखो यहाँ ग्लेन और स्टेला अपने मजे ले रही है बारिश के, यहाँ रुद्राक्ष मजे ले रहे हैं, कह रहे नीचे नहीं जाना। चलो चलो भैया नीचे चलेंगे, बारिश शुरू हो गई तेज। देखो दोस्तों बारिश अपनी जगह, गला खराब अपनी जगह, और गोलगप्पे अपनी जगह, तो इसीलिए हम आ गए हैं गोलगप्पे लेने के लिए। हमने पैक करा लिए इनफैक्ट गोलगप्पे, अभी हम घर जाएंगे और आराम से तसल्ली से बैठ के हम पार्टी करेंगे, गोलगप्पा पार्टी। ये देखो ये 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 एक्साइटमेंट जिसने खाने भी नहीं है गोलगप्पे। ओके डिनर हमने कर लिया है, और हमारे डिनर के बाद ये हमसे पारी पारी कराने के लिए आ गई है। कैसे लेटी हुई है गोद में पारी कराने के लिए? तू कैसे दिख रहा है, कब प्यार था? पहले प्यार कराती है, उसके बाद फिर हमें प्यार करके, अब हम इसको ऐसे पारी पारी लाडू लाडू करके निन्नी कराएंगे, और फिर हम भी निन्नी करेंगे। नहीं करो इसका पेटू, ये कुछ खाती नहीं है, ये खाती नहीं है।